अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के प्रतिशत को बढ़ाना और साथ ही साथ एज एप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इसके दर को बढ़ाना, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए हम लोगों ने इस परियोजना को बिहार के 3 जिलों में इम्प्लीमेंट किया है। शुरू से ये चला आ रहा था कि जब बच्चा को दांत हो जाएगा, चाहे बच्चा साल भर का हो जाए, 1.5 साल का हो जाए, तब उसको खाना शुरू करेंगे। किसी के मेंटेलिटी को बदलना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर शुरू से करते आ रहे हैं, आपकी दादी नानी माँ कर रही है, और उसको एक बैग जाके अगर हम कहते कि आप ऐसा ना वैसा करो, तो शायद बहुत मुश्किल होता है। तो उनके घर पे जाके उनका काउंसलिंग करते हैं। 6 माह पार कर जेतै, जब बौआ 7वां महीना में प्रवेश कर देतै, तब ओकरा के ऊपरी आहार देवे के है। बौआ के भर दिन में 2 से 3 बेर देवे के है, थोड़े थोड़े देवे के है, समझ ली। और साथ में दूध भी पिलावे के है बौआ के। तो अहाँ शुरू कर देले छिए? हाँ, हम कैले छी पूरा दिन शुरू। बौआ खाइत हवे? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में हम 6 महीना की माताओं के साथ बैठक करके बताते हैं कि उनको अपने बच्चे को कैसे, कब और कैसा आहार देना चाहिए। इस उम्र में उसको अधिक से अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चा बोलना चलना इत्यादि सीखता है। पहला वाला अति बच्चा था ना, उसे 8 दिन पर 9 दिन पर हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता था। उसको हमेशा सर्दी है तो खांसी है तो आज अति लेटिंग ज़्यादा कर रहा है, सब कुछ माने के ज़्यादा होता था। ये दूसरे का वाला का कुछ भी नहीं होता है। हल्का फल्का तबीयत खराब होता है तो गांव देहात में दिखा लेते, ठीक हो जाता है। अब उतना ही जरूरी नहीं पड़ता है डॉक्टर पास जाने का। अब खुद जब आगा खंड फाउंडेशन दीदी जाती है तो खुद अपने ही बताते हैं, अपने महिला से करते हैं, हाँ आशा दीदी ऐसे करिए, दीदी बता गए थे हम कि हाँ जरूर कीजिए। हम भी लोग जाते हैं अपना साथ में, इनको जाते हैं जरूर कहते हैं कि ऐसे कीजिए। कुपोषित बच्चा जो कमजोर बच्चा था वो सही पर आ गया। सही बच्चा माने देखिए 100 में बच्चा 2 ठो बच्चा माने कमजोर रहता है। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है हर चीज़ में इन लोगों के आने से। मातृ मृत्यु से लेके शिशु मृत्यु दर, ब्रेस्ट फीडिंग का जो तरीका होता है वो, डाइट का जो चार्ट होता है वो, पब्लिक के बीच में इनके द्वारा सपोर्ट किया गया, जो एक तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में हमको सपोर्ट मिला, और जो जागरूकता कम से कम ये लोग पटरी पर ला दिए। ऑन फ्यूचर धीरे धीरे लोग देखते सुनते समझते बोलते बात करते लोग कैरी करे उसको।